गृह मंत्रालय द्वारा जो है जो लॉकडाउन 1 की घोषणा कर दी गई है, इसके चलते हिमाचल प्रदेश में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। अधिकांश दुकानें अगर बात की जाए तो खुल गई है, वहाँ पर अब माल भी पड़ोसी राज्यों से पहुँच रहा है। अगर हम आज हम बाज़ार में गए तो बाज़ार में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग अब एक राज्य से दूसरी राज्य में व्यापार करने के लिए या सामान लेने के लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी राज्य के कार्यालय खुल गए हैं, केंद्र सरकार के कार्यालय भी काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज जैसा कि गृह मंत्रालय के निर्देश थे अभी भी बंद हैं, और उन्हें खोलने के लिए पूरी नीति बनाई जा रही है कि किस तरह से सिलेबस कवर किया जाएगा, किस तरह से बच्चों को जो है समझाया जाएगा, COVID-19 के लिए तैयार किया जाएगा, किस तरह से बच्चों का ये डर कि केवल कुछ महीने रह गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो जितने भी ऊपर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मार्च में स्कूल शुरू होते हैं और दिसंबर तक वो ख़त्म हो जाते हैं, और अगर मार्च से अब हम जून चल रहा है तो लगभग 4 महीने बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऐसे में सिलेबस कैसे कवर होगा, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी चिंता है और स्कूल को भी चिंता है। ऐसे में नीति बनाए जाने की ज़रूरत थी, और कल कहा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने प्रदेश के उच्च अधिकारी थे उनसे बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित किया, उनकी समस्याएं जानी, और अब शिक्षा विभाग इस तैयारी में है कि किस तरह से बच्चों को स्कूल लाया जाए, किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया जाए, किस तरह से उन्हें समझाया जाए और किस तरह से ये सिलेबस की जो समस्या है उसे दूर किया जाए, ताकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव ना हो कि ये पूरा का पूरा सिलेबस हमें जो हम उन्होंने पूरे साल में कवर करना था उसे केवल जो है 4 या 5 महीनों में कवर करना पड़ेगा। जहाँ तक बात की जाए बस सेवा की, तो हालांकि जो हिमाचल प्रदेश की पथ परिवहन निगम है उसकी बस सेवाएँ चल रही हैं, और कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों को सड़क पे उतारा जाए, क्योंकि निजी बस सेवा अभी नहीं शुरू हो पाई है। अगर हम थोड़े दिनों की ही बात करें जब से बस सेवा बहाल हुई थी, तो इतने में ही अगर हिमाचल पथ परिवहन को 5 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। निजी बस चालकों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर 60% ऑक्युपेंसी के साथ बस चलानी है तो किराए में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिस पर सरकार फिलहाल तैयार नहीं नज़र आ रही है। धीरे धीरे जो ज़िंदगी है वो सामान्य हो रही है। राजधानी में अभी तक कोई भी मामला नहीं आया था, लेकिन राजधानी के पास के इलाकों से अब मामले आने के बाद राजधानी में लोगों में भय का माहौल है। हालांकि कहा जाए कि सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से इस पूरे लॉकडाउन को और अनलॉक को संभाला है। जितने लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो या तो संस्थागत क्वारंटाइन में थे या फिर घर में जो थे वो क्वारंटाइन पे थे और सरकार की निगरानी में थे। तो ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें सजग रहने की ज़रूरत है, हमें सरकार के साथ सहयोग करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो चलने का नाम है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, DD News शिमला।